आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस और आप देख रहे हैं वक्त टीवी। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के वार्ड नंबर 13 बगीचा मोहल्ले में अचानक बिजली का पोल गिर पड़ा, जिसमें स्थानीय लोग बाल बाल बच गए। पोल गिरने के बाद स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त पोल काफ़ी दिनों से डैमेज था और आज अचानक पोल गिर पड़ा, जिसके बाद उक्त इलाके की बिजली बाधित हो गई। जैसे ही उक्त बातों की जानकारी बिजली विभाग को दी गई, वैसे ही फौरन बिजली विभाग की कर्मी उक्त मोहल्ले में आकर बिजली के दुरुस्त करने में लग गए। वार्ड नंबर 13 का बगीचा मोहल्ला है ये, और ये पोल लाइन बिजली विभाग की तरफ से काफ़ी दिनों से यहाँ से शिकायत की जा रही थी कि पोल चेंज किया जाए, बट अभी तक कोई चेंजिंग नहीं हुआ था, जो कि काफ़ी दिनों के बारिश के कारण आज ये पोल बाय डिफ़ॉल्ट, यानी ना तो कोई हवा है ना तो किसी तरह का ठोकर खाया है, और ये पोल खुद से गिर गई। हालाँकि यहाँ पर किसी तरह का जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बिजली अधिकारी से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पोल की या फिर इलेक्ट्रिक वायर की प्रॉब्लम है, उसे जल्द से जल्द ठीक की जाए। मोहम्मद चांद आलम। धन्यवाद। इसी प्रकार की ताज़ा खबर तुरंत पाने के लिए हमारे YouTube चैनल वक्त टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।